आई गॉट अ गेम व्हिच कुड सेव योर लाइफ। इंडिया में बहुत सारे रोड एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। और ये ओवर स्पीडिंग क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जब बाइक चलाते हैं और बाइक का जब साउंड आता है ना, क्या एड्रेनलिन रश मिलता है ना। लेकिन एक गलती आपकी पूरी जिंदगी ले सकता है ना। तो इसके लिए मेरे को एक गेम मिला है जिसमें आपको सेम एड्रेनलिन रश, सेम बाइक का साउंड और सेम इफेक्ट्स मिलेंगे, पर आप इन वर्चुअल रियलिटी, मतलब आपको गेम में मिलेगा। आपके पास हजारों स्पॉन्स रहेंगे, मतलब आप गिरोगे पड़ोगे तो स्पॉन हो गए वापस, आप मरोगे नहीं, है ना, आपको इंजरी नहीं होगी। तो क्यों ना हम लोग गेम में ओवर स्पीडिंग करें ना कि रियल लाइफ में, हम लोग वही सेम एड्रेनलिन गेम में एक्सपीरियंस करें ना कि रियल लाइफ में। इस गेम का नाम है TTIFL ऑफ मैन, ठीक है। आई होप तुम लोग बहुत जानते होंगे इसके बारे में, लाइक बहुत फेमस है ये, एक्चुअल में रियल लाइफ रेसिंग होता है। ये एक्चुअल में बहुत रियलिस्टिक गेम है, मेरे को ऐसा लगता है ना कि लाइक नॉर्मल गेम्स है, लाइक बहुत रियलिस्टिक गेम है ये। लाइक ये ओपन वर्ल्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि तुम रेस नहीं करोगे तुम कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। तो पहला चीज़ है इसका ये वाला हिस्सा, ठीक है, जहाँ पे तुम बाइक को कस्टमाइज करवा सकते हो। तो अगर तुम बाइक को कस्टमाइज करते हो तो यू कैन एक्चुअली कस्टमाइज इट्स टायर क्या कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल रियल लाइफ हम करते हैं ना, टायर कस्टमाइज करते हैं। फिर उसके बाद शॉक अब्जॉर्वर्स, सस्पेंशंस, क्या कहते हैं, ब्रेक्स, ईच एंड एवरी थिंग। और तुम इसमें ट्यूनिंग भी कर सकते हो कि तुम्हारा कौन सा गियर कितने तेज़ी से अप होगा, लाइक ऑटोमेटिक गियर भी होता है, मैनुअल गियर भी होता है। तो लाइक एकदम रियल लाइफ ऐसा गेम है यार, ठीक है। तो अब इसमें गेम प्ले में जाते हैं, आ जाओ लेट्स गो। भाई वो भाई द साउंड यार, पहले ही ठुक गया मैं। अच्छा चलो ठुकते नहीं है, लेट्स गो। भाई और इसका फिजिक्स भी एकदम रियल लाइफ जैसा है, मतलब अगर तुम लोग गिरोगे ना एकदम, लाइक ऐसा था ना कि तुम्हारा बाइक फिसलता है जैसे, वो होता है ना, एकदम रियल लाइफ जैसा फिजिक्स था इसका। हल्का सा डिसबैलेंस एंड यू आर डेड, मतलब इसमें नहीं, स्पॉन तो हो गया वापस, रिस्पॉन हो गया बस। इमेजिन नहीं रियल लाइफ में हुआ होता, होली आई कैन इमेजिन, लाइक तुम आसमान में फ्लाइट लेते हुए। भाई इस गेम का जो साउंड है, इसमें ऐसे से मतलब तुम लोगों को जो गाड़ियाँ होता है ना, जो बाइक्स होते हैं, जो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते इस वक्त, है ना। जैसे कि ये कौन सा बाइक है, ये है ZX10 आ रहा है, ठीक है, ZX10 आ रहा है। फिर BMW S1000 आ रहा है। फिर और भी बहुत सारे ऐसे बाइक्स हैं जो हम लोग रियल लाइफ में अफोर्ड नहीं कर सकते, वो चला सकते हैं इसमें, है ना। तो इसमें तुमको एक अलग ही फील आएगा। एंड बाय द वे, इट्स नॉट स्पॉन्सर वीडियो भाई, है ना, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये। मेरे को ये गेम बहुत पसंद आया, मैं एक दो दिन से खेल रहा हूँ, एंड यू नो इट्स रियली गुड। तो अभी हम देखेंगे कि हम इस बाइक की टॉप स्पीड हिट कर पाते हैं कि नहीं। तो उसके लिए एक लंबा रास्ता ढूंढना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अरे रुक जा, थम जा यार। हाँ तो सबसे सीधा लॉन्ग रूट जो है वो आई थिंक ये वाला है, एंड ये वाला, ये सबसे लॉन्ग रूट है जो सीधा है एकदम। ओके पीछे वाले रूट में जाता, आ जाओ चलो, देख लो कहाँ जाना है, सीधा जाके, हाँ सीधा ही चलना है। चलो लेट्स गो, हमको इस बाइक की टॉप स्पीड को हिट करना है, ठीक है, टॉप स्पीड को। अभी हिट नहीं होगा, अभी तो लंबा रास्ता है नहीं, अभी गिरूंगा पड़ूंगा। 270 280, 300 आई थिंक टॉप स्पीड, इसका मुझे पता नहीं कितना है फिलहाल के लिए, मुझे आइडिया नहीं है कितना है, देखते हैं, ठीक है। मैंने अपग्रेड किया है मेरे बाइक को ताकि टॉप स्पीड अच्छा खासा रहे, लेट्स सी उस रूट में पहुँच के पता लगेगा। कॉर्नरिंग करेंगे यार इसमें सेक्सी वाला, यार मतलब तुम देख रहे हो इतना रियलिस्टिक फिजिक्स है ना, तो बाइक का ये चेंज करते हैं POV। हाँ ये वाला POV रखते हैं, ये वाला अच्छा है, पता नहीं मेरे को ये वाला जनरली ज़्यादा पसंद है। आई डोंट नो व्हाई इट गिव्स मी दैट मोटो, क्या कहते हैं वो, मोटो GP वाली फीलिंग। भाई पर इसमें रियलिस्टिक फीलिंग आता है जिसमें इस वाले POV में, कितने सारे POV है, बहुत सारे POV है। अगर आपको पता है क्या होता है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ये होता क्या है। TCS ट्रैक्शन कंट्रोल होता है, TCS ट्रैक्शन कंट्रोल,
AWS नहीं पता, EBS भी नहीं पता. EBS could be electronic braking system or something. ये तो भाई शुरुआत ही खत्म हो गया भाई. राइट वाला रोड लेना, मेरे को टॉप स्पीड के लिए. भाई मैनुअल शिफ्टिंग ज़्यादा बढ़िया लगता है इसमें. अगर आप लोगों को, आप लोगों का वो है ना कंट्रोलर, कंट्रोलर तो भाई मैनुअल शिफ्टिंग यूज़ करो भाई. ऑटोमेटिक सिस्टम यूज़ ही मत करो सिस्टम भाई. काम भाई मज़ा आता है मैनुअल शिफ्टिंग में, और वो भी कंट्रोलर के साथ. ओ हो हो, दैट्स अ फील. तो लेट्स गो. टॉप स्पीड हिट करवाएंगे क्या 260 to 270? Let's see. Come on. अरे इतना टर्निंग कैसे आ गया इस रोड में. यार ऊपर ही नहीं जा रहा 260 के यार. 260 हार्ड हाईएस्ट है. नहीं यार इस रास्ते में बहुत टर्निंग्स है यार, इसमें टॉप स्पीड हिट नहीं कर सकते ऐसे. मेरे को ना ऐसा रास्ता चाहिए जिसमें कोई टर्निंग्स ही ना हो. भाई हल्का सा हिला गया बाइक आसमान में. स्ट्रेट रास्ता है 260 270 280. तो ठुकेंगे पर 280 क्या था यार, 280 क्या था पता नहीं यार, 280 क्या था कि नहीं. कितना बाकी है, अभी आएगा सीधा रास्ता शायद इसके बाद. आज सीधा आसमान में. क्रैश काउंटर लगाना पड़ेगा मेरे को लगता है, कितनी बार क्रैश करा है मैंने. नहीं रुको, ये वाला कैम करते हैं, फर्स्ट पर्सन कैम ही करते हैं. टू हंड्रेड सिक्सटी सेवेंटी 240 260 290 300. आ रहे भाई टॉप स्पीड हिट कर गया लौंडा. अरे भाई टॉप स्पीड हिट कर गया यार 300. लेट्स गो. मैं वही सोच रहा हूँ इसका 260 का टॉप स्पीड है नहीं, इसको 315 है शायद टॉप स्पीड. मैंने 303 हिट किया है हाईएस्ट अभी. भाई सुपर ओवर इसका. इसका जब बारिश होता है ना और सनसेट होता है ना, बहुत खतरनाक लगता है ये गेम देखने में. इट्स अ स्ट्रेट रोड राइट नाउ होपफुली. दो सौ दस, दो सौ ग्यारह, दो सौ बारह, दो सौ पंद्रह, लेट्स गो 17 20. भाई मतलब तुम्हारे भाई ने हिट कर दिया टॉप स्पीड और क्रैश भी कर गया. 217 मेरे को, 215 का टॉप स्पीड है यार जितना मेरे को पता था. सॉरी 315 भाई. मतलब मैं सोच रहा कि यार टॉप स्पीड इसका तो 317 तो नहीं था यार, 315 ही था लास्ट. 317 कैसे पहुंच गया भाई ये बाइक, डाउनहिल था क्या वहां पे? पता नहीं यार डाउनहिल था कि ना. भाई ग्राफिक्स देख रहे हो यार, सूरज की किरणें मेरे बॉडी पे पड़ रही है भाई. ओ हो, फुटपाथ पे चलाता हुआ मैं यहाँ पे सल्लू भाई ऐसा. भाई इतने, भाई अब मैं समझ पा रहा हूँ कि ये टॉप स्पीड में क्रैशेस क्यों होते हैं भाई इतने.
क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं है भाई, लिटरली यू कैन नॉट सी एनीथिंग, ये पूरा टनल विजन रहता है भाई, इतना सा दिखता है तुमको, और दाएं बाएं कुछ नहीं दिखता, रास्ता भी ढंग से नहीं दिख रहा भाई मेरे को, इतना तेजी से रास्ता जा रहा है ना, रास्ता भी नहीं दिख रहा ढंग से मेरे को। अभी तो मास्टर करेंगे इस गेम का कंट्रोल भाई। और बाय द वे गाइस, मैं कुछ टाइम बाद जाने भी वाला हूँ बाइक ट्रिप में, ऐसे नहीं चलाऊंगा, मेरा गोप्रो नहीं, एक्चुअली एक्शन कैमरा, गोप्रो तो नहीं है वो, इट्स एन एक्शन कैमरा, वो आ जाए उसके बाद मैं एक ब्लॉग तो बनाऊंगा जरूर। प्लानिंग तो है भयंकर वाला, देखते हैं। भाई ट्रैक्शन कंट्रोल होने के बाद भी आसमान मतलब निकल जा रहा है खेतों में, उफ, इस गेम का तो साउंड है यार, लाइक तुम लोग सुन पा रहे हो ना, मतलब क्या ही साउंड है यार बाइक्स के, भाई पता नहीं मैं एडिक्ट हो गया इस गेम से बहुत ज्यादा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खेलने लग गया ये गेम, जब भी मेरे को मन करता ना कि तेजी से बाइक चलाओ मैं यही खेलता हूँ, और रियल लाइफ में जाके मैं नॉर्मल धीरे चलाता हूँ भाई। वो और एक रेस करेगा, और एक रेस करेगा, क्या बोलते हो, लाइक रेस है ये, रेस अगर मैं जीत गया तो मेरे को मिल देंगे पॉइंट, जिसकी वजह से मैं वो कर पाऊंगा बीटर ऑपोनेंट। चलो ठीक है, सामने एक यूटर्न आता है मेरे को जितना याद है, भाई निकल गया है मेरा आगे, अरे यार नहीं यार उसको आगे नहीं जाने देना, लेट मी कैच अप दिस गाय ब्रो, लेट मी कैच अप, कर पाऊंगा कैच अप, सामने की यूटर्न है तो यूटर्न से शायद कैच अप कर लूं मैं, थोड़ा बहुत तो कर लूंगा कैच अप, हाँ हो जाएगा, नहीं यार ये टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, कम ऑन ब्रो गेट अप लेट्स गो, मुझे फुल स्पीड में चलाना पड़ेगा यहाँ पे भाई उसको कैचअप करने के लिए, नहीं यार ये तो गिरता पड़ता रह रहा हूँ मैं तब से, मैं तो काफी आगे निकल गया यार, नहीं इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट, अगर मैं बिना गिरे ढंग से चला हूं तो क्या पता, हाँ बच गया मैं, तो क्या पता मैं उसको क्रॉस कर जाऊं, तो अच्छा खासा लीड लेकर रखा था मैं यार, वो अचानक से पता नहीं कैसे निकल गया साइड से हूं कर करके, नहीं यार अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, ब्रेकिंग का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, परफेक्ट एकदम परफेक्ट ब्रेकिंग, ना 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 बोलते ही, अरे बोलना ही नहीं चाहिए था मेरे को, बोलते ही आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचा दिया यार, मतलब कुछ अच्छा हो तो बोलना नहीं चाहिए, नजर लग जाता है, नहीं रे इतना गंदा क्रैश,
ये कैसा क्रैश था भाई? पता है अगर इस वीडियो में अच्छे रिएक्शंस आए ना तो मैं तो भाई कंट्रोलर लूंगा एंड आई विल प्ले दिस गेम ऑन स्ट्रीम कंट्रोल के साथ, क्योंकि कीबोर्ड में बहुत दिक्कत होता है खेलने में इस गेम को। आई विल प्ले ऑन कंट्रोलर, बहुत सेक्सी लगेगा यार कंट्रोलर में इस गेम, ये गेम नो कैप। ये मेरा टर्निंग वाइज है, ये यही दिक्कत होता है, ये टर्निंग लेते वक्त बहुत दिक्कत होता है इसमें। लेकिन कोई नहीं, हम फिर भी ट्राई करेंगे। इसका एक्सेलरेशन बहुत खतरनाक है, इस बाइक का खतरनाक एक्सेलरेशन है। ऐसे थोड़ी ना सुपर बाइक है भाई, इट्स अ बीस्ट, इट्स अ बीस्ट। पता है एक हल्का सा कॉर्नरिंग अच्छा लेता उसके बाद तो वो तो आगे निकल गया भाई, वो तो काफी आगे निकल गया है। 4 किलोमीटर बाकी है, कंप्लीट करते हैं अच्छे से। ये एबीएस ऑन ऑफ का बटन क्या आ रहा है? अरे एबीएस ऑन ऑफ का बटन, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। आई थिंक ब्रेक, अच्छा ब्रेक दबाने के बाद, अच्छा दोस्तों के बाद इवेंट काम नहीं करता क्या? व्हाट, ऐसा भी होता है क्या? तो पीओवी चेंज करता है, ये वाले पीओवी में खेलता है। ये वाला पीओवी भी बढ़िया लग रहा है एकदम। हल्का सा मतलब इसमें वो भी देख रखा है ना, एंगल, डिग्री एंगल्स सब कुछ। फुल यू टर्न यहाँ से, 1 ही किलोमीटर बाकी। हार तो चुका हूँ मैं, वो तो पहुंच गया फिनिशिंग लाइन में बंदा। एक सीधा रेस ट्रैक देना चाहिए यार। आई थिंक रेसिंग इज नॉट अबाउट टॉप स्पीड एंड एवरीथिंग, रेसिंग इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग एंड ब्रेकिंग, प्रॉपर ब्रेकिंग कंट्रोलिंग एंड स्टेइंग ऑन द राइट पाथ। रास्ता तो इतना चौड़ा है लेकिन तुम कहाँ पर रह रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक तुम कौन से इसमें रह रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है रेसिंग में। बहुत लोग कंसेप्ट ये गलत है कि रेसिंग इज अबाउट यू नो कि तुम कितना तेज चला रहे हो, ये कर रहे हो। नहीं, रेसिंग इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग। चलो ये मेरे से तो ये टास्क नहीं हो पाया, तो अगर आप लोग ऐसे टास्क कंप्लीट करते हो और आप एक टाइम लिमिट से पहले क्रॉस कर जाते हो फिनिशिंग लाइन, जरूर उसका स्क्रीनशॉट लेना और मेरे डिस्कॉर्ड में डालना एंड चैलेंज मी ऑन अ टास्क, तो मैं भी आपका चैलेंज कंप्लीट करने के लिए रेडी रहूंगा। और मुझे अगर सच में ऑडियंस से अच्छा रिएक्शन मिले तो आई विल प्ले दिस काइंड ऑफ गेम मोर इन फ्यूचर, और ये तो खेलूंगा ही मैं, और मैं लाइव स्ट्रीम भी करूंगा इस गेम का अगर आप लोगों का अच्छा यू नो रिएक्शन आए तो। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही,
मैं इतना ही कहना चाहूँगा गाइज, थोड़ा सेफ राइड करो, यू नो रिस्पॉन्सिबली राइड करो बाइक्स को, एंड थोड़ा सोच के करो कि घर में भी तुम्हारे को इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपको स्पीडिंग करने का मन करें, करता है यार इंसान का मन करता है कि तेज चलाओ ये करो, लेकिन वो रियल लाइफ में ना करके ना गेम में आके करा करो, इसमें ना कि तुम्हारा लाइफ में ऐसा रिस्क नहीं आया कि तुम ऐसे, मैं यहाँ पर कितनी बार गिरा, हजार बार गिरा गिर चुका हूँ मैं इधर, लेकिन मेरे एक हाथ पैर में चोट आया नहीं, क्यों? क्योंकि ये रियल लाइफ नहीं है। ट्राई टू एंजॉय योर लाइफ मोर, यू नो रिस्किंग योर लाइफ इज वेस्ट।